देखिए सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम को सारे गांव वालों को बधाई देना चाहता हूं कि इसके 21 साल पूरे हो गए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है एक आवाज़ के लिए. किसी भी टैलेंट को सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है टैलेंट की, उसकी दिक्कत ये होती है कि उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो कहाँ जाके बताए. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने खड़ा किया है जिससे कि बहुत खूबसूरत गायक निकले हैं. अपने कुणाल गांजावाला हैं और श्रेया घोषाल हैं और कई निकले हैं. और तो ये बहुत खुशी की बात है कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म एक लोगों को मिला हुआ है और आदमी जिसको कोई जो जिसका कोई नाम नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं है, सडनली इस प्लेटफॉर्म पे आता है और अगर उसमें टैलेंट है तो वो यहाँ से सीधा उसको मौका मिल जाता है. फैंटास्टिक. हाँ, मैं जब जाता हूँ तो आपको लगता है कि ये ध्यान इस तरफ मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया. हालांकि हमारे ड्रामा स्कूल में इसकी क्लासेस होती थी और हम लोग हमेशा उसको बंक करते थे उन क्लासेस को. जो डांस और सॉन्ग की क्लासेस होती थी हमने ड्रामा स्कूल में हमेशा बंक की हैं. तो आज मुझे उसका अफसोस होता है कि मैंने क्यों बंक की. और मेरे अंदर पता नहीं, मैं कोशिश करूँगा ज़रूर सीखने की. ओके, संगीत किया है, अमित जी ने गाया है, सलमान ने गाया है, कई लोगों ने गाना गाया है, तो आपको पर्सनली किस तरह के गाने पसंद हैं? बहुत सारे हमारे सिंगर हैं जो बहुत, अभी हमारी फिल्म के अंदर जैसे सुखविंदर ने एक गाना गाया है मासूम, बहुत खूबसूरत है वो गाना. सुन के आपका दिल जो है सीधा दिल को पकड़ता है वो गाना. तो हमारी इंडस्ट्री में बहुत खूबसूरत सिंगर्स हैं एंड तो मैं अगर उनका 1% भी अगर मैं अचीव कर पाया तो आई विल बी हैप्पी. ओके, संगीत कभी भी आरडी वर्मन के बिना हमेशा आरडी जी के बिना अधूरा रहा. आरडी जी के अधूरा. आरडी के बारे में क्या कहना, उनके संगीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे आरडी वर्मन? उन्होंने एक बिल्कुल नया किस्म का संगीत वो लेकर आए थे जिसमें जिस तरह का संगीत चल रहा था उनका अपना ही एक स्टाइल था. तो आरडी के गानों का एक अजीब जो वो मस्ती है उनके गाने की और जिसको जो आपके दिल को उठाता है, वो जिस तरह से ऊंचा उठा देता है, वो बहुत कमाल का है. और उन्होंने बाकी अलग अलग जगह के इन्फ्लुएंसेस को जिस तरह से मिलाया था वो सिर्फ आरडी का ही था. आरडी से पहले ना तो आरडी से संगीत हुआ ना उनके बाद हुआ, आरडी थे. ओके, कोई खास मेमोरी, कोई एक फेवरेट गाना आरडी वर्मन के? आरडी वर्मन और एक महीने से लगातार लोग इबादत कर रहे हैं जी, यहाँ पर भी वही कह सकते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है. किस तरीके से इमरान इरफान भाई आप करेंगे सेलिब्रेट ईद को? और दूसरी चीज़, ये जो हाल ही में अभी बॉम ब्लास्ट भी हुआ है उस पर ये क्या होता है कि आप पूरा महीना एक मेडिटेशन में जाते हैं, आप गौर फिक्र करते हैं, आप इबादत करते हैं और वो महीना जब ख़त्म होता है तो आप उसको सेलिब्रेट करते हैं कि आपकी इबादत कबूल हो, आपने जो गौर फिक्र किया है उससे आपकी ज़िंदगी, आपकी रूह चमके. जितने त्यौहार होते हैं वो इसीलिए होते हैं, उसके बड़े पर्पज़ होते हैं, उसके बड़े मकसद होते हैं और उन मकसद तक हमें पहुंचना चाहिए, उनको जानना चाहिए. और फिर ईद होती है जिसे वो खुशी का मौका है जिसमें आपकी जो कमाई है, जो आपने इनकम साल भर में कमाया है, उसका कुछ फीसदी आप जो है ज़रूरतमंदों को देते हैं, ऐसे लोगों को देते हैं जिनकी ज़िंदगी जो है वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, जो मजबूर हैं, जिनके पास नहीं है. तो उसी तरह से आप भी मनाते हैं, आप चाहे वो कमाई पैसे की हो चाहे विचारों की हो, वो बांटना चाहिए दूसरों में ताकि बराबरी का एक माहौल बन सके.